हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। दोस्तों आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ मोती झील। तो फिलहाल अभी हम लोग मोती झील के आसपास पहुँच गए हैं और अभी फिलहाल हम लोग रुकेंगे और अभी हम लोग पान का लुत्फ उठाएंगे जी। सो गाइस, मोती झील जाते वक्त हम लोग को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे और फिलहाल हम लोग को आधा घंटा लग गया ट्रैफिक में। हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे तो काफ़ी ज़्यादा पुलिस फोर्स भी आ गई थी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। फिलहाल हम लोग को आधे घंटे लग गए, हम लोग बाहर ही जाम में ही फंसे रहे। फिर फिलहाल जाके आधे घंटे बाद हम लोग ने मोती झील के अंदर एंट्री लिया। आप देख सकते हैं पूरा क्राउडेड था, पूरा ट्रैफिक था। सो गाइस, फाइनली मोती झील के अंदर एंटर कर चुके हैं और फिलहाल अभी मुंह धो रहे हैं। तो पानी कहीं मिल नहीं रहा था तो टैप में से पानी बह रहा था तो वहां से हम लोग ने फेस वॉश किया। गाइस, मुंह बहुत गंदा हो गया था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसकी वजह से मैंने अभी वॉश किया है और अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं मोती झील के कुछ नज़ारे। ऐसे सही आएगा ना, तो ऊपर से क्या बोलना है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, दिखा देना नेचर स्लैब कैफे। अभी मुझे 8 सब्सक्राइबर मिले थे और वो इनके वजह से कैमरे मैन के से इन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी। पॉज कर दो सो गाइस, आप ये देखो। सो गाइस, जैसे ही आप मोती झील के अंदर एंटर करेंगे यहाँ पे आपको एक कैफ़े मिल जाएगा नेचर स्लैब कैफे के नाम से। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं मॉकटेल, कोल्ड ड्रिंक, शेक्स, हॉट बेवरेजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सैंडविच यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनका एक ओपन एरिया जहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। अब तो वो गाना गा दो भी वाला गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला गा दो। अभी हमारे फैज भाई जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो एक जो थीम सॉन्ग है ना वो भी गाने वाले हैं फैज भाई। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा शटाएगी। हाय, सो गाइस अपना न्यू फ्रेंड मिला है मुझको, चला जा रहा है। गाइस यहाँ बहुत अंधेरा है, यहाँ पे सुना है प्रेमी जोड़े बैठे रहते हैं तो उसी की तलाश में निकले हैं, शायद कोई प्रेमी जोड़ा मिल जाए। फिलहाल तो अभी कोई दिख नहीं रहा है और अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। एक जोड़ा मिला है हमको, एक जोड़ा मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ पे बैठा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कुछ गंदी हरकतें चल रही है तो मैं उन लोग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा फिलहाल। अभी हम लोग जा रहे हैं, ये बैक व्यू है इस रेस्टोरेंट का और गाइस आप देख सकते हैं पीछे का व्यू बहुत बढ़िया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे झील है और यहाँ पे भी स्टीमर चल रही है। तो फिलहाल अभी हम लोग इसका राइड करेंगे, होप सो अभी देखते हैं, राइड को मज़ा लेंगे और फैज भाई हमारे शायद खुद ड्राइव करें। अनुभव इनके अंदर टूट टूट के भरा हुआ। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी स्टीमर आ रहा है, आप अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ I have this one।
गाइस आपको ये लड़का दिख रहा है आपको, ये मेरा दोस्त है शुएब छपरी जो अभी जो अभी ये ओवरट नहीं वो ओवरटेक दोस्ती हो गई नहीं दोस्ती हो गई है। आप ध्यान देख लो इसका भी चरान कटा है। हाय गाइस सो गाइस यहाँ पर आपको एक प्लेग्राउंड मिल जाएगा, जितने भी किड्स हैं जो अंडर 12 हैं उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पे। अगर आपकी फैमिली है और आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स योर किड विल लव इट। सो गाइस अगर आप बोटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे बोटिंग सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं तो यहाँ पे बोटिंग का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। सो गाइस झील के बीच में आपको स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू देखने को मिलेगा, जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है। सो वीडियो को आगे देखते रहिए, आपको मैं एक क्लोजअप शॉट स्वामी विवेकानंद जी का दिखाऊंगा। अभी हम लोग बहुत थक चुके हैं और गाइस हम लोग की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, एक गाड़ी ये खड़ी है और एक गाड़ी मेरी वो खड़ी है उधर। गाइस हम लोग ने गाड़ी खड़ा की थी पेड़ के नीचे, तो यहाँ पे ना चिड़ियों ने पॉटी कर दी है। आप देख सकते हो यहाँ पॉटी है, बबलू ने ये देखो पूरी टंकी मैंने आज ही मैंने वॉश की थी गाड़ी।